30वें फिल्मफेयर अवार्ड समारोह का आयोजन तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में 25 सितंबर 1983 में हुआ। इस अवार्ड समारोह में 18 कैटेगरी में 18 अवार्ड्स दिए गए। इस साल किसी कलाकार को स्पेशल अवार्ड नहीं दिया गया। पॉपुलर कैटेगरी से पहले एक नज़र डाल लेते हैं टेक्निकल अवार्ड्स के विनर्स पर। नमस्कार दोस्तों, किशोर कहता है कि मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं एलन माइकल किशोर। चलिए अब देखते हैं पॉपुलर कैटेगरी में कौन कौन हुए नॉमिनेट और कौन रहे विनर्स। बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे अशोक कुमार फिल्म शौकीन के लिए, महमूद फिल्म खुद्दार के लिए, जगदीप फिल्म गजब के लिए, देवेन वर्मा फिल्म अंगूर के लिए और उत्पल दत्त फिल्म शौकीन के लिए। अवार्ड देवेन वर्मा को मिला फिल्म अंगूर के लिए। और कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे नंदा फिल्म प्रेम रोग के लिए, सुप्रिया पाठक फिल्म बाजार के लिए, किरण वैराले फिल्म नमकीन के लिए, रंजीता फिल्म तेरी कसम के लिए और वहीदा रहमान फिल्म नमकीन के लिए। अवार्ड सुप्रिया पाठक को मिला फिल्म बाजार के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे शम्मी कपूर फिल्म विधाता के लिए, शशि कपूर फिल्म नमक हलाल के लिए, गिरीश कर्नाड फिल्म तेरी कसम के लिए, संजीव कुमार फिल्म विधाता के लिए और विनोद मेहरा फिल्म बेमिसाल के लिए। अवार्ड शम्मी कपूर फिल्म विधाता के लिए। बिल्कुल नजदीक आ गया। बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेशन थे हसन कमाल फिल्म निकाह के दो गीतों के लिए, ये हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और दिल की ये आरजू थी। संतोष आनंद फिल्म प्रेम रोग के लिए, गीत है मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। आमिर कजलबश फिल्म प्रेम रोग के लिए, गीत है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। और अनजान और प्रकाश मेहरा फिल्म नमक हलाल के लिए, गीत है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अवार्ड संतोष आनंद को मिला फिल्म प्रेम रोग के लिए, गीत है मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे खयाम फिल्म बाजार के लिए, रवि फिल्म निकाह के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म प्रेम रोग के लिए, आर डी बर्मन फिल्म सनम तेरी कसम के लिए और बप्पी लहरी फिल्म नमक हलाल के लिए। अवार्ड आर डी बर्मन को मिला फिल्म सनम तेरी कसम के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए नॉमिनेशन थे अनुराधा पौडवाल फिल्म ये नज़दीकियाँ के लिए, गीत है मैंने एक गीत लिखा है, नाजिया हसन फिल्म स्टार के लिए, गीत है दिल बोले बूम बूम और सलमा आगा फिल्म निकाह के तीन गीतों के लिए, ये हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की ये आरजू थी और फजा भी है जवान।
अवार्ड सलमा आगा को मिला फिल्म निकाह के लिए। गीत है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए नॉमिनेशन थे किशोर कुमार फिल्म नमक हलाल के लिए। गीत है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अमित कुमार फिल्म तेरी कसम के लिए। गीत है ये जमी गा रही है। और सुरेश वाडकर फिल्म प्रेम रोग के दो गीतों के लिए। ये हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद और मैं हूँ प्रेम रोगी। अवार्ड किशोर कुमार को मिला फिल्म नमक हलाल के लिए। गीत है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन थे राखी फिल्म शक्ति के लिए, रेखा फिल्म जीवन धारा के लिए, स्मिता पाटिल फिल्म बाजार के लिए, पद्मिनी कोल्हापुरे फिल्म प्रेम रोग के लिए और सलमा आगा फिल्म निकाह के लिए। अवार्ड पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला फिल्म प्रेम रोग के लिए। बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन थे दिलीप कुमार फिल्म शक्ति के लिए, संजीव कुमार फिल्म अंगूर के लिए, ऋषि कपूर फिल्म प्रेम रोग के लिए, नसीर उद्दीन शाह फिल्म बाजार के लिए और अमिताभ बच्चन तीन फिल्मों के लिए। ये फिल्में हैं बेमिसाल, नमक हलाल और शक्ति। अवार्ड दिलीप कुमार को मिला फिल्म शक्ति के लिए। बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन थे बी आर चोपड़ा फिल्म निकाह के लिए, राज कपूर फिल्म प्रेम रोग के लिए, रमेश सिप्पी फिल्म शक्ति के लिए, सुभाष घई फिल्म विधाता के लिए और सागर सरहदी फिल्म बाजार के लिए। अवार्ड राज कपूर को मिला फिल्म प्रेम रोग के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए जो फिल्में नॉमिनेट हुई वो हैं निकाह, प्रेम रोग, शक्ति, विधाता और बाजार। अवार्ड मुशीर रियाज द्वारा निर्मित फिल्म शक्ति को मिला। ये हैं 30वें फिल्मफेयर अवार्ड से जुड़ी खास बातें। फिल्म शक्ति और प्रेम रोग ने सबसे ज़्यादा 4-4 अवार्ड जीते। फिल्म निकाह और नमकीन 2-2 अवार्ड जीतकर दूसरे नंबर पर रही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगले वीडियो में जिक्र होगा 31वें फिल्मफेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस और विनर्स का। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।